बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज जो हमारा प्रैक्टिकल हो रहा है वो है हॉट विंग्स। हॉट विंग्स हैं ये हमारे चिकन विंग्स को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, और उसके बाद आपने इसमें 2 गिलास पानी और आधा कप सिरका और 1 चम्मच नमक लेके डिप करके रख देना है मैक्सिमम 12 से 13 मिनट्स। उसके बाद आपने पानी को स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद हम इसकी मैरिनेशन देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें रेड चिली क्रश ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून आपका कॉर्नफ्लोर जाएगा, 1 टीका पाउडर है कश्मीरी मिर्च कहते हैं इसे, ये इजीली मिल जाता है, 1/2 टीस्पून आपने पेपरिका पाउडर डाला, 2 टेबल स्पून आपका सोया सॉस, 1/2 टीस्पून ये है गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर, ये भी सेम आपका 1/2 टीस्पून, 1 ये आपका फ्लोर, 2 और ये 3। अब आपने इसमें ना एक अंडा डाल के ना इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास जीरा पाउडर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी ये पेपरिका, रेड चिली क्रश, नमक, सोया सॉस वगैरह, ये इसको के लिए ना 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो मैरिनेशन किए हुए बीन्स हैं उनको फ्राई कर लेना है। चलो पहले अब आपने पीसेस को निकाल लिया है। टेबल स्पून ऑयल लें और उसमें आपने 1 टेबल स्पून फाइन चॉप गार्लिक लें। गार्लिक को जस्ट लाइक हमने सिर्फ सौते करना है। 1 टेबल स्पून रेड चिली क्रश, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, जो है 1/2 kg जो है बेटे चिली गार्लिक सॉस है, और 3 टेबल स्पून आपका प्लेन केचप है। 1 कप आपने इसमें प्लेन वाटर ऐड कर देना है और फ्राई किए हुए बीन्स हम इसमें ऐड कर देंगे। नीचे से आप सॉस उठाते जाएंगे और विंग्स पे डालते जाएंगे। अब ये आपकी हॉट सॉस के अंदर विंग्स चले गए। 3 से 4 मिनट आपने फ्लेम पे पकाने हैं। उसके बाद आपने सेसमी सीड लेने और वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देने। अब ये आपके हॉट विंग्स तैयार हैं। आपने हनी विंग्स बनाने हैं तो सेम ये रेसिपी इसी तरह तैयार करनी है। लास्ट में आपने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हनी आपने ऊपर से डाल देना, तो ये आपके हनी विंग्स बन जाएंगे।